हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लट्टू गोपाल जी का और एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। यूपी में रहने वाली दक्षा जी ने आज अपने जीवन का ये एक सत्य अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। आशा है उनके जीवन का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीला शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज सुनने के लिए। दक्षा जी ने हमसे कहा, हमारे शादी को 1 साल हो गया है और हम लो मीडियम फैमिली से हैं, इसीलिए हमारे पति को हर रोज अपने काम पर जाना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही दुविधा आ गया था, क्योंकि लॉकडाउन के समय काम भी बंद था तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे लॉकडाउन तो कट गया। और लॉकडाउन के बीच में ही हमारे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। उन्होंने हमसे और भी कहा, शायद ये सब सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारे साथ कोई लीला हुआ ही नहीं, लेकिन जब से ठाकुर जी हमारे जीवन में आए तब से हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे पति एक दिन काम पर नहीं जाते थे तो घर चलाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन ठाकुर जी के कृपा से हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे पति एक साधारण मजदूर है, हर रोज साइकिल लेकर ही अपने काम पर जाया करते थे। वो सुबह 8 बजे घर से निकलते और शाम को 6 बजे घर वापस आ जाते थे। ऐसे ही हमारा दिन बीत रहा था। हमारे घर पे पैसों की कमी तो थी, लेकिन प्यार की कमी कभी भी नहीं था। जितना है उतने में ही हम खुश रहते थे। ऐसे ही दिन बीतते बीतते अचानक से ही हमारे जीवन में आए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। हमारे घर पे बस एक ही राधा कृष्ण का चित्रपट था और उन राधा कृष्ण को ही हम हमेशा पूजा करते थे। उस दिन भी हम अपने ठाकुर जी का पूजा कर रहे थे और संध्या आरती करने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी अचानक हमारे पति हमारे घर पर आए और हमें बुलाने लगे, इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाना है। उनकी बातों को सुनकर मैं भागती हुई उनके पास गई और उनसे पूछा, आप आ गए आज इतनी जल्दी? तो उन्होंने कहा, आज थोड़ा जल्दी ही काम खत्म हो गया, इसीलिए मैं आ गया। लेकिन देखो तो सही, आज मुझे क्या मिला है? हमने उनसे पूछा, अच्छा क्या है, दिखाओ जरा। तो उन्होंने हमें जो दिखाया वो देखने के बाद हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमने देखा उनके हाथों में एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी है। जब हमने उनसे पूछा, ये आपको कहाँ से मिले? तो उन्होंने कहा, हमारे घर के पास जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पास एक पेड़ है और उसी पेड़ के पास से हमें ये मूर्ति मिला। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सोने का है? क्या हम इसे बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं? जब मैंने अपने पति के मुंह से ये बात सुना तो मुझे एकदम समझ में आ गया कि लड्डू गोपाल जी के बारे में हमारे पति को कुछ पता ही नहीं है। तब हमने उन्हें समझाया, अरे ये बेचने की चीज नहीं है, ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और इन्हें पूजा किया जाता है। तब हमारे पति ने हमसे कहा, अगर इन्हें पूजा किया जाता है तो ये पेड़ के पास क्या कर रहे थे, इन्हें तो मंदिर में रहना चाहिए ना। तब हमने कहा, शायद कोई इनका सेवा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए शायद इन्हें किसी ने पेड़ के पास छोड़ दिया। आज से हम इनका पूजा करेंगे, देखना हमारा जीवन भी बदल जाएगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कृपा हो तो जीवन में बहुत उन्नति होता है और घर सब कुछ खुशियों से भर जाता है। अगर ठाकुर जी का कृपा हो तो हम भी एक सुखी परिवार बन पाएंगे और देखना आपके जीवन में जो भी कष्ट है सब कुछ चला जाएगा। हमारी बातों को सुनकर हमारे पति ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हमें तो लगा ये कुछ ऐसे ही विग्रह होंगे और इन्हें बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर तुम इनका पूजा करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। जिस दिन दक्षा जी के जीवन में उनके लड्डू गोपाल जी आए, उसी दिन से उन्होंने लड्डू गोपाल जी का पूजा पाठ आरंभ कर दिया। दक्षा जी कहती है,
लड्डू गोपाल जी हमारे जीवन में आते ही हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। जैसे लड्डू गोपाल जी ने अपना चमत्कारी बंसी घुमाकर हमारा जीवन ही बदल दिया है। हमारे पति के काम को देखकर वहां के मैनेजर बहुत खुश हो गए थे, जिस कारण से हमारे पति को वर्कर का हेड बना दिया गया है और अभी हमारे जीवन में और पैसों की कमी नहीं होती है। आज हम हमारे पति और हमारे ठाकुर जी तीनों ही बहुत खुश है और हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलाव आया है, जो भी खुशी का प्राप्ति हमें हुआ है, सब कुछ हमारे ठाकुर जी के कारण से ही हुआ है। हमारे पति भी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो दिल से मानते हैं कि लड्डू गोपाल जी के कारण ही आज हम इतने सुखी हैं। ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें थोड़ा प्रेम दो तो वो अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ा सच्चा प्रेम दीजिए। आपका प्रेम जितना सच्चा होगा, ठाकुर जी आपसे उतना ही प्रसन्न होते हैं और हमेशा आपको अपना प्रेम, अपना लीला, अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। अब आप बताइए, दक्षा जी के जीवन का ये अपरूप लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये अपरूप लीला श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।